बहुजन समाज पार्टी अपने सियासी इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। बसपा एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है और उसका आधार लगातार कम होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट पर सिमट जाने के बाद से मायावती लगातार बैठकें कर रही है। SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर बसपा लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरी है। इस बीच बसपा अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मायावती ने राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक 27 अगस्त को बुलाई है। मायावती पिछले 21 साल से बसपा की सर्वे सर्वा बनी हुई है। बसपा संस्थापक कांची राम ने 18 दिसंबर 2003 को अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष की पद की जिम्मेदारी जो है वो मायावती को सौंपी थी। इसके बाद से पार्टी की कमान मायावती ही संभाल रही है और हर 5 साल पर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव में उनके नाम पर मुहर लगती रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि 27 अगस्त को होने वाली राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में बसपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी आखिर मायावती को मिलती है या फिर किसी नए चेहरे की ताजपोशी होगी। बसपा संविधान के मुताबिक अगस्त महीने में राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव हो जाना है। इसके चलते ही बसपा राष्ट्र कार्यकारिणी बैठक 27 अगस्त को बसपा ने बुलाया है। लखनऊ में होने वाली राष्ट्र और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्र कार्यकारिणी में बसपा के अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होगी जिसमें संगठन के सदस्य पार्टी के अध्यक्ष के लिए नाम का अनुमोदन करेंगे, माने चूज करेंगे। बसपा में अभी तक सर्वसम्मति के साथ अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। मायावती से लेकर कांची राम तक सर्वसम्मति से ही अध्यक्ष चुने जाते रहे और हर 5 साल पर यह प्रक्रिया होती है। ऐसे में इस बार बसपा के अध्यक्ष पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बसपा में राष्ट्राध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। कांशीराम ने दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। 1984 से लेकर 2003 तक लगातार कांशीराम बसपा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद उन्होंने बसपा की कमान जो है मायावती को दे दी, पूरी की पूरी कमान उनके हाथों में सौंप दी। इसके बाद मायावती 2004 में दूसरी बार, 2009 में तीसरी बार, 2014 में चौथी बार अध्यक्ष बनी। इसके बाद 28 अगस्त 2019 को सर्वसम्मति से 5वीं बार राष्ट्र अध्यक्ष की अध्यक्ष जो है वो मायावती बनी। अब बसपा में 27 अगस्त को राष्ट्र अध्यक्ष के लिए फिर से एक बार चुनाव है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसे ये पद मिलता है। अच्छा देखिए, बसपा के राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में 27 अगस्त को बुलाई गई है, जैसा आप जानते हैं, जिसमें पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। देखिए, ऐसे में ये तय माना जा रहा है लगभग कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को फिर से राष्ट्र अध्यक्ष चुना जा सकता है। लेकिन इस बीच एक और नाम है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जब अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया था उसके बाद से उनके राजनीति से रिटायरमेंट की खबरें चलने लगी थी, माने मायावती की। इन बातों का मायावती ने साफ तरीके से खंडन करते हुए कहा था, याद होगा आपको, कि वो ना तो संन्यास ले रही हैं और ना ही राजनीति से दूरी बना रही हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा जीवन BSP और सर्वजन के कामों के लिए जो है समर्पित होगा। मायावती की बातों से एक बात तो साफ है कि एक बार फिर से वो पार्टी की अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुनी जा सकती हैं, बन सकती हैं। इस तरह मायावती के हाथों में पार्टी की कमान रहेगी। सूत्रों की अगर माने तो 27 अगस्त की बैठक में बसपा के अध्यक्ष का चुनावी प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता वाला है और मायावती के नाम पर मुहर लगने वाली है। हालांकि उनके भतीजे के भी नाम की चर्चा है। देखना होगा कि आखिर किसे ये पद दिया जाता है। अच्छा, मायावती के रहते हुए किसी दूसरे नेता को पार्टी की कमान नहीं सौंपी जा सकती, ये भी एक बड़ा कारण है। पार्टी के राष्ट्र सदस्य मायावती के नाम का अनुमोदन करेंगे और उसके बाद जो है उनके 6वीं बार अध्यक्ष बनने की घोषणा की जा सकती है। हालांकि मायावती अगर खुद पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती है, इस सूरत में किसी दूसरे नेता के नाम पर विचार किया जा सकता है जो मुनासिब भी है। चर्चा ये भी चल रही है कि इस बार बसपा किसी नए चेहरे को कमान दे सकती है। जी हाँ, ये भी दूसरी तरफ चर्चा है। इस लिस्ट में मायावती के भतीजे आकाश आनंद का नाम शामिल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि उनके नाम के कयास के पीछे उनके सियासी उत्तराधिकारी बनने की वजह है। देखिए, आकाश आनंद की अगर बात करें तो आकाश आनंद के करीबी लोगों की माने, जो उनके करीबी हैं, उनका कहना है तो वो खुद भी पार्टी की कमान लेने के लिए भी तैयार नहीं है आकाश आनंद। इसलिए 6वीं बार मायावती का अध्यक्ष बनना लगभग तय है, जिस पर 27 अगस्त को फाइनल जो है मुहर लग जाएगी। बसपा में राष्ट्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ पार्टी अपना राष्ट्र एजेंडा भी तय करेगी, जो बैठक होने वाली है, और साथ साथ बसपा की लगातार सिकुड़ती जमीन से पार्टी के लिए चिंता बढ़ती जा रही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के आगे भी। बसपा इस वक्त पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने का काम कर रही है। इस बैठक में बसपा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करके रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी और इस पर भी विचार विमर्श करेगी। SC ST के आरक्षण को लेकर मायावती ने लगातार मोर्चा खोल रखा है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरे हैं। इसके पीछे बसपा के खिसके दलित वोटों को फिर से जोड़ने की जो मुहिम है वो उसको जो है हिस्सा माना जा रहा है।
हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बसपा किस्मत आजमा रही है। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा जो है इनेलो के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है और आकाश आनंद लगातार सक्रिय हैं। आप देख रहे होंगे वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 के चुनाव में कठुआ सीट पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में जम्मू कश्मीर को लेकर भी बसपा इस बार सक्रिय है। ऐसे में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी नई रणनीति तैयार की जा सकती है। माना जा रहा है कि यूपी के जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सीटों के कैंडिडेट के नामों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। बहरहाल 27 अगस्त को बसपा की बैठक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बसपा का राष्ट्र अध्यक्ष आखिर किसे चुना जाता है। क्या मायावती को चुना जाएगा या फिर आकाश आनंद को चुना जाएगा या फिर कोई नया चेहरा लेकर सामने लाकर मायावती सबको चौंकाएंगी, देखना है होगा। फिलहाल 27 अगस्त का इंतजार है। 27 अगस्त में महज 4 से 5 दिन बचे हैं। देखना अहम होगा कि क्या कुछ बसपा की तरफ से फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार करें। शुक्रिया।